बेटी हो या बेटा, बस स्वस्थ होना चाहिए। अरे तुम चिंता मत करो, बेटा ही होगा और मैंने तो अपने बेटे का नाम भी सोच लिया है, रवि, जो हमेशा सूरज की तरह चमकता रहेगा। और अगर बेटी हुई तो? नहीं बाबा नहीं, मुझे बेटी बेटी नहीं चाहिए। लेकिन क्यों? अरे मैं घर के खर्चे उठाऊंगा या फिर उसके दहेज के लिए पैसे बचाऊंगा। आजकल जमाना बदल गया है मोहित, आने वाले टाइम में दहेज वहेज का चक्कर ही नहीं रहेगा। सब कहने की बातें हैं, आजकल का माहौल देखा है कितना खराब है, ऐसे माहौल में बेटी को संभालना आसान है क्या? तुम भी ऑफिस जाती हो और मैं भी ऑफिस जाता हूँ, उसे संभालेगा कौन? अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो इस जमाने को क्या मुंह दिखाएंगे प्रिया? अफो मोहित, मेरे मम्मी पापा भी तो ऑफिस जाते थे, उन्होंने भी तो मुझे संभाला है। पहले जमाना और था, जॉइंट फैमिली होती थी, सोलो फैमिली में बेटी को संभालना आसान है क्या? नहीं भाई नहीं, मुझे टेंशन वेंशन नहीं चाहिए। उफ़ मोहित, आप पढ़े लिखे होकर भी ऐसी बातें कर रहे हो? पढ़ा लिखा हूँ तभी तो ऐसी बातें कर रहा हूँ, न्यूज चला कर देखो, रेप मर्डर सब होता रहता है, ज्यादा दिन कहाँ हुआ, दामनी का ही केस देख लो, क्या हालत हुई थी उस बेचारी की। तो क्या इसी डर से हम जीना छोड़ दें? अगर 52 सेकंड में एक लड़की मार दी जाती है जिसके कारण 1000 के मुकाबले सिर्फ 940 लड़कियाँ बसती है, और आने वाले टाइम में अगर सब आपकी तरह सोचने लगे ना मोहित, तो 1000 के मुकाबले सिर्फ 100 लड़कियाँ बचेंगी, और क्या होगा उन 100 लड़कियों का? लोग उनका बाहर निकलना मुश्किल कर देंगे मोहित, इसको रोकने के लिए किसी ना किसी को तो शुरुआत करनी ही होगी। मानता हूँ पर मैं शुरुआत नहीं कर सकता, सारी जिंदगी स्ट्रगल करके मैं यहाँ पहुँचा हूँ, अब बेटी का बोझ सिर पर ले लिया तो बुझी कुछी जिंदगी भी मुझे स्ट्रगल में गुजारनी पड़ेगी। मोहित आप बेटी का बोझ क्यों कह रहे हो? आजकल बेटी और बेटे में फर्क ही क्या है? फर्क है, लड़का लड़का होता है, लड़की लड़की होती है, लड़का वंश को बढ़ाता है, लड़की टेंशन को बढ़ाती है। ये लो सर, डॉक्टर साहब ने रिपोर्ट भेजी है। ओफो मोहित, रिपोर्ट आ गई, जरा बताओ रिपोर्ट में क्या लिखा है? वही जिसका डर था, तुम्हारे पेट में बेटी बल रही है। तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है मोहित? मैं तो बेटी ही चाहती थी। पर मैं नहीं चाहता था बेटी, नहीं चाहिए मुझे बेटी बेटी, तुम्हें इस बच्चे को खत्म करना होगा। नहीं मोहित, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मोहित प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो, मोहित मैं डबल मेहनत करूंगी पर मैं ऐसा नहीं कर सकती। मोहित प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। करना ही होगा, तुम चुनो बेटी या मैं। नहीं मोहित, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मोहित मेरे लिए तो तुम दोनों ही बराबर हो, तुम दोनों में से किसी एक को कैसे चुन सकती हूँ? मोहित कैसे चुन सकती हूँ? मोहित मैं ऐसा नहीं कर सकती। मोहित प्लीज मैं ऐसा नहीं कर सकती। मोहित मेरी बात समझने की कोशिश करो। मोहित मैं नहीं कर सकती ऐसा, प्लीज मोहित मेरी बात समझने की कोशिश करो। मोहित मेरी बात समझने की कोशिश करो। माँ अभी तो भगवान ने मेरे हाथों पे किस्मत की लकीर भी नहीं थी, इतने में आप और डैडी मेरे भविष्य की बात करने लगे। क्यों माँ, ऐसा क्यों? मैं सारा काम कर लूंगी, रस किचन में जाकर आप खाना खाते रहना, रोटी खाने के बाद मैं मीठा भी नहीं खाऊंगी। और आप पढ़ने की बात करते हो, मैं भाई की किताबों से पढ़ लूंगी, लेकिन माँ ऐसा मत करो, मुझे बाहर आने दो, मुझे इस हरियाली को देखने दो, मुझे इस जीवन को देखने दो। नहीं मेरी बच्ची, तू ऐसा मत बोल मेरी बच्ची, ऐसा मत बोल मेरी बच्ची, ऐसा मत बोल। प्लीज माँ मुझे बाहर निकालो। मत बोल ऐसा मोहित, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मोहित मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं मर जाऊंगी पर अपनी बच्ची को कुछ नहीं होने दूंगी। मोहित कुछ नहीं होने दूंगी। अरे मरती है तो मर जा, पर मैं इस बच्ची को नहीं होने दूंगा। नहीं मोहित, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मोहित प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। मोहित प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। मोहित मैं नहीं कर सकती ऐसा। मोहित प्लीज, चलो एक